तो ये आपको पहले इजराइल और फिलिस्तीन जो समझिए विवाद है, इसका हिस्ट्री मतलब समझना चाहिए थोड़ा सा। तो ये हिस्ट्री में देखेंगे बहुत पहले से इनका जो मतलब समझिए कि ये फिलिस्तीनी है, तो ये सब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से मुस्लिमों के कब्जे में ही रहा है हमेशा से। और जब देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद देखेंगे जितने भी यहूदी लोग रहते हैं, तो यहूदी ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा जो है ये समझिए 2000 साल पहले से ही वहां से हम रहते आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे माइग्रेट हो गए जब मुस्लिम आक्रमण हुआ ये सब, फिर यूरोप में चले गए, इंडिया में भी बहुत देखेंगे यहूदी रहते थे बहुत जगह पे, मतलब सभी जगह माइग्रेट कर गए। लेकिन फिर देखेंगे, अब ज्यादातर मैं उतनी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि फिर वहां पे देखेंगे बहुत सारे जो वहां पे ऐसा बोला जाता है तीनों जो धर्म है, ईसाई धर्म है समझिए, और ये जो यहूदी है और जो फिर इस्लाम धर्म है, तो तीनों का वो समझिए जो जेरूसलम है, तो वहां पे मतलब तीनों का जो समझिए कि रिलीजियस इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पे बोला जाता है किसी के मतलब इनके, तो इसके लिए तो विवाद है ही। लेकिन फिर मतलब समझिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है जो मैंने बताया, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वहां पे, और ब्रिटेन जीतता है, ऑटोमन साम्राज्य वहां पे समाप्त होता है, तो फिर मुस्लिमों का समझिए डोमिनेंस कम होता है वहां पे, कम होता है तो फिर ये बोलते हैं कि हम एक मतलब जो तुम्हारा इजराइल है तो उसके लिए एक देश बना के देंगे, फिर ये समझिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद बहुत ज्यादा इनको जो यहूदी रहते हैं इनको मारा जाता है, हिटलर देखेंगे कि यहूदी विरोधी रहता है, एक एक बार में देखेंगे बहुत सारे लोगों की जेनोसाइड करा दी जाती है, जेनोसाइड करा दी जाती है, उसके बाद बहुत ही परेशानी में रहते हैं। लेकिन फिर वहां पे देखेंगे जो मित्र राष्ट्र रहते हैं फिर जीतना शुरू करते हैं, जीतना शुरू करते हैं मतलब ये जीत ही जाते हैं, फिर जाके ये होमलैंड की अपनी मांग तो बहुत दिनों से ही यहूदी जो थे ये समझिए कर रहे थे, तो वहां पे अब इनके द्वारा बोला जाता है तो ब्रिटेन द्वारा कि तुम्हें मतलब अपना होमलैंड दिया जाएगा। और फिर फिलिस्तीन को भी ये मतलब वहां पे बोल देते हैं कि जो मुस्लिम वहां पे रह रहे थे कि तुम्हें भी एक होमलैंड दिया जाएगा। तो ये देखेंगे जो ये समझिए पहले से ही जो ब्रिटेन है, तो ये सारा मामला जो अभी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट का बना हुआ है तो ब्रिटेन का ही दिया हुआ है, चाहे आप देखेंगे जो कश्मीर का मुद्दा है तो यूएस और देखेंगे ब्रिटेन ने इतना दबाव बनाया कि यहाँ पे यूएन में जाना पड़ा है, और यूएन में जो जो मामला गया है समझिए उसका गर्थ ही हुआ है, चाहे आप देखेंगे यूक्रेन इशू है तो युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, चाहे ये फिलिस्तीन वाला मामला यूएन में गया था तभी से आज तक देखेंगे यूएन उसको सॉल्व नहीं कर पाया है, चाहे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर मुद्दा तो वैसे ही कश्मीर मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे मुद्दे गए थे जो कि पूरी तरह से ईरान और इराक ये सब देखेंगे मामला ये सब भी यूएन में गया था, और आज देख रहे हैं अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया। इराक को तो समझिए पूरी तरह से सीरिया को समाप्त ही कर दिया यूएस जो रहती है आर्मी, तो ये सब मतलब समझिए यूएन में गया है, तो यूएन में जो जो मामला गया है उसका गलती हुआ है, और ये भी मामला गया था तो मैंने जैसा बताया कि वहां पे फिर ये लोग बोलते हैं, ब्रिटेन बोलता है कि तुम्हें देश दी जाएगी, तो अब देश दी जाएगी तो पूरे जितने भी यहूदी रहते हैं वर्ल्ड में, भारत में भी रहते हैं आप देखेंगे जो साउथ एरिया है केरल वेरल तरफ, तो उधर भी रहते हैं यहूदी, और ये सब क्या होता है इकट्ठा होना शुरू होते हैं, जो आज आप इजराइल का लैंड देख रहे हैं वहां पे, और वहाँ पे फिलिस्तीनी तो रहते हैं, ये इकट्ठा होना शुरू करते हैं, तो ये आप मैप देख सकते हैं, तो ये 1900 मतलब जो समझिए 46 का मैप है, तो इसमें जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं तो ये इजरायली लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत छोटा छोटा डॉट लेके ये रहते हैं, और छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे 1948 के बाद, तो ये जो छोटा छोटा डॉट है समझिए तो ये बड़ा डॉट हो गया, तो इजरायली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और जितने भी अरब कंट्री हैं तो ये अपने लिए खतरा मान रहे थे कि यहाँ पे पूरी तरह से मुस्लिम है और यहूदी आके क्यों बसेंगे, तो इसके लिए मतलब पूरी तरह से सपोर्ट रहता है फिलिस्तीनियों को अरब का, जितने भी अरब कंट्री है सीरिया इराक जॉर्डन जो भी है समझिए सऊदी अरब भी, ये लोग तो मतलब पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। तो फिर ये देखेंगे एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और ये हमेशा से जानते थे अगर मतलब सर्वाइव करना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए काफ़ी प्रिपेयर रहते थे और यहूदी, और यहूदी लोग काफ़ी दिमाग के भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं समझिए, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार देखेंगे यहीं पर मिलता है, तो ये लोग बहुत मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे रहते हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो मैप है चेंज होते चला जाता है, फिलिस्तीन का जितना भी एरिया रहता है ये लोग कब्जा करते जाते हैं, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मतलब फिर देखेंगे ये तो कब्जा कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे देखेंगे ये लोग अटैक करते हैं, मतलब ये पूरी कंट्री सपोर्ट रहती है देखेंगे, जितना भी मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री हैं इनको सपोर्ट रहता है फिलिस्तीन का, और ये लोग 1968 में सभी मिल गए 7 देश रहते हैं समझिए, 7 देश जितने भी मुस्लिम देश हैं ये अटैक करते हैं वहाँ पे 1968 के बाद, देखेंगे पूरी तरह से मैप चेंज हो जाता है, और जब जब अटैक होता है तो समझिए तब तब यहाँ पे मैप चेंज होता है, मैप चेंज मतलब कि ये पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं एरिया को, तो एक देखेंगे समुंदर से इलाका मतलब जो सटा है छोटा सा ये बचता है फिलिस्तीन के पास, और ये जो वेस्ट बैंक है ये बचता है, ये यहीं पे यरूशलम है जो कि काफ़ी देखेंगे वहाँ पे मस्जिद भी है, उसमें इजरायली पुलिस समझिए घुस के
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ये लोग मस्जिद जो जो है समझिए उसमें ये लोग टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसमें जाकर शरण लेते हैं, तो इसके वजह से इजरायली जो पुलिस है उसमें भी घुस के फिर देखेंगे इन लोगों को निकालती है मारती है, तो इसके लिए भी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि फिर आप धार्मिक स्थल में कैसे घुस सकते हैं। तो ये धीरे धीरे देखेंगे सभी चीज़ों को कब्जा करते चलेंगे, मतलब जितने भी फिलिस्तीन के एरिया हैं। तो आप जो शेयर मार्केट में एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है वही लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे जब किसी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करता है कि और प्रॉफिट का लालच करता है, और प्रॉफिट का लालच करता है तो फिर उसको वो जो प्रॉफिट हुआ रहता है वो लॉस में चला जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे होती है जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो यूएन रेजुलेशन पास करता है बंटवारे का, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिलिस्तीन अटैक करता है। फिर देखेंगे जो इनका प्रॉफिट में जो ये रहते हैं ये लॉस में चेंज हो जाता है, और फिर देखेंगे शेयर मार्केट में वही फिर लॉस को कवर करने जाता है और फिर वहाँ पे लॉस हो जाती है, वही चीज़ें होती है। फिर ये लोग लॉस को कवर करने जाते हैं वहाँ पे और एरिया देते जाते हैं, वैसे ही ये लोग देखेंगे बार बार लॉस को कवर करने जाते हैं और ये लोग अपना एरिया देते जाते हैं समझिए इजराइल को। और आज इतना कम एरिया बचा है कि आप सोच भी नहीं सकते, सारे लोग वहाँ पे पलायन कर गए हैं। और यहाँ पे हमास जो है ये समझिए शासन करता है जो फिलिस्तीन है वहाँ पे, इसको वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं ये टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं और इजराइल टेररिस्ट ग्रुप मानता है, लेकिन ये समझिए जो फिलिस्तीन है इस पर ये शासन करता है और यही अटैक करता है।